4 सितंबर को एशिया कप 2022 के सुपर फोर मैच में भारत को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से हार का सामना करना पड़ा था। इस रोमांचक मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह से ये कैच छूट गया था और फिर देखते ही देखते अर्शदीप को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जाने लगा। पंजाब किंग्स ने अर्शदीप के समर्थन में ये ट्वीट भी किया, लेकिन इस ट्वीट पर राइट विंग इन्फ्लुएंसर मिस्टर सिन्हा ने रिप्लाई करते हुए अर्शदीप को खालिस्तानी कहा। इस राइट विंग अकाउंट ने तो अर्शदीप को गद्दार भी कहा। वहीं इस ट्विटर अकाउंट ने लिखा कि अर्शदीप ऑपरेशन ब्लू स्टार में कैसे बच गया था। वहीं कई क्रिकेटर्स ने अर्शदीप का समर्थन भी किया, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह और भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान शामिल है। अर्शदीप को टारगेट करने और उनके बचाव के बीच CNN न्यूज 18 की एडिटर पल्लवी घोष ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा कि अर्शदीप सिंह को ट्रोल करने वाले ट्वीट्स की जांच की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अकाउंट्स पाकिस्तान के थे और इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि अर्शदीप को निशाना बनाने के पीछे पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं और उन्होंने ये भी लिखा कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर इन ट्वीट्स के इस्तेमाल से भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट विंग अकाउंट अंशुल सक्सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान अपना खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहा है और अर्शदीप को खालिस्तानी बोल रहा है। वहीं आखिरी ट्वीट में अंशुल ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के अकाउंट्स अर्शदीप को खालिस्तानी कहकर निशाना बना रहे हैं और इसे देखते हुए भारत के लोग इस झांसे में फंस गए और अर्शदीप को ट्रोल करने लगे। अर्शदीप को खालिस्तानी कहने वाले कुछ अकाउंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या वाकई में ये अकाउंट्स पाकिस्तानी थे। सबसे पहले बात करते हैं इस अकाउंट की जिसने अर्शदीप को खालिस्तानी बोला था। शिवम नाम के इस यूजर ने अक्सर भाजपा नेता कपिल मिश्रा, तजेंद्र पाल सिंह बग्गा समेत कई राइट विंग अकाउंट्स के ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। फिलहाल इस यूजर ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। अब आते हैं अर्शदीप को खालिस्तानी बोलने वाले अकाउंट क्लॉक टावर पर। इसके प्रोफाइल खंगालने पर हमें मालूम हुआ कि इस यूजर ने भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तजेंद्र तिवाना को बर्थडे विश किया था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने पर भी इस अकाउंट ने ट्वीट किया था। वहीं 29 अगस्त के मैच में पाकिस्तान की हार को लेकर इस यूजर ने ये ट्वीट किया था, यानी असल में ये एक भारतीय अकाउंट है। वहीं इस ट्विटर यूजर प्रदीप ने भी अर्शदीप को गाली देते हुए ट्वीट किया था। जब इस हैंडल की टाइमलाइन ऑल्ट न्यूज ने चेक की तो पाया कि ये भी एक भारतीय अकाउंट ही है। इस यूजर ने कई बार इंडियन क्रिकेट टीम के समर्थन में ट्वीट्स किए हैं। फरवरी 2021 के इस ट्वीट में यूजर ने जियो सिम कार्ड यूज करने की बात भी बताई थी। अब बात करते हैं ट्विटर अकाउंट लक्ष्मण की। इस हैंडल ने कैच छूटने के तुरंत बाद ये ट्वीट किया था। जब ऑल्ट न्यूज ने इस हैंडल की टाइमलाइन चेक की तो हमें मालूम हुआ कि ये एक इंडियन अकाउंट ही है। इसने भारतीय पॉलिटिक्स को लेकर कई बार ट्वीट किए हैं। वहीं इस अकाउंट ने ये ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर में तभी शांति होगी जब वहां हिंदू रहेंगे। वहीं ट्विटर यूजर ऋषभ उपाध्याय ने भी अर्शदीप को टारगेट करते हुए ये ट्वीट किया था। इस अकाउंट ने सैकड़ों बार राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। इस यूजर ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में भी ट्वीट किया था। और भी ऐसे कई ट्विटर अकाउंट्स हैं जिसकी टाइमलाइन खंगालने पर मालूम हो जाता है कि ये इंडियन अकाउंट्स ही है। व्यूअर्स गौर करें कि अर्शदीप से करीब 11:05 पर कैच छूटा था। इस टाइम फ्रेम को इपोक टाइम में कन्वर्ट कर ट्विटर पर सर्च करने पर हमें ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स मिले जिन्होंने खालिस्तानी शब्द ट्वीट किया था। इनमें से अधिकतर अकाउंट्स की टाइमलाइन चेक करने पर साफ हो जाता है कि ये असल में इंडियन अकाउंट्स ही है। वहीं इसी टाइम फ्रेम के बीच कई पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स ने भी खालिस्तान ट्वीट किया था। कैच छूटने पर जहां भारतीय अकाउंट्स अर्शदीप को खालिस्तानी बता रहे थे, वहीं पाकिस्तानी अकाउंट्स अर्शदीप को खालिस्तान से जोड़कर उनका मजाक उड़ा रहे थे। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर अभिषेक कुमार और को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने डिटेल फैक्ट चेक कर ये लिस्ट तैयार की, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी अकाउंट्स द्वारा खालिस्तान से जोड़कर किए गए ट्वीट्स मौजूद है।
तो जैसा कि हमारी फैक्ट चेक टीम ने जांच के दौरान पाया कि अर्शदीप को खालिस्तानी कहकर ट्रोल करने वाले ज्यादातर अकाउंट्स इंडियन ही है। जांच में सामने आया कि ऐसे ट्वीट्स एक ही समय पर भारतीय और पाकिस्तानी अकाउंट से किए गए थे, लेकिन जब क्रिकेटर्स और लोगों ने अर्शदीप का समर्थन कर इन अकाउंट्स को टारगेट किया तो सोशल मीडिया पर एक और प्रोपेगेंडा चलाया गया कि अर्शदीप को टारगेट करने वाले ये ट्विटर अकाउंट्स सिर्फ पाकिस्तानी हैं।